झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा पिछले एक साल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता गंवा चुकी है। इसी बीच भाजपा की सहयोगी पार्टी रही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा पर हमला बोला है। सामना में लिखा है कि भाजपा कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की बात करती है और अब कई राज्य भाजपा मुक्त हो गए हैं। पार्टी का कहना है कि यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रचार के लिए उतारा गया, लेकिन भाजपा को जीत नहीं मिली। शिवसेना का कहना है कि यदि जनता को हल्के में लिया जाएगा तो यही होगा। शिवसेना ने सामना में लिखा कि भाजपा ने एक राज्य और गंवा दिया और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सहित पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को वहां लगाने के बावजूद भाजपा झारखंड में नहीं जीत पाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को बहुमत मिलेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। कुल मिलाकर कांग्रेस राजद के समर्थन के झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वहाँ आ रही है, ये भाजपा के लिए धक्कादायक है। भाजपा के नेता कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भाजपा के हाथ से पहले ही निकल गए हैं। सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार शिवसेना के नेतृत्व में बनेगी। 2014 में भाजपा 45% प्रदेशों में सत्तासीन थी, अब उसका उतार है और जैसे तैसे 30-35% प्रदेशों में भाजपा की सत्ता है। भाजपा की घुड़दौड़ कई राज्यों में कमजोर पड़ती गई, ये तस्वीर विचार करने वाली है। 2014 में देश के 22 राज्यों में भाजपा की सत्ता थी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भाजपा पहुंची, त्रिपुरा और मिजोरम तक उनके झंडे लहराए। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि अगर त्रिपुरा में चुनाव कराए जाएं तो जनता भाजपा की सत्ता उखाड़ फेंकेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।